नमस्कार, मैं हूँ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। और अब वक्त हो चला है प्राइम पब्लिक और सरकार का, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। प्रदेश भर में राजनीतिक दलों के दौरे हो रहे हैं, जनता को लुभाने के लिए वादे और दावे किए जा रहे हैं और लगातार विपक्ष पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले बोले जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस वक्त सूबे में सियासी तापमान हाई होता जा रहा है। वहीं बात करें सूबे की जनता की, तो उनके मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम लगातार चुनाव से जुड़ी स्पेशल कवरेज कर रही है। और इसी कड़ी में आज हमारी टीम ने रुख किया है बदायूं और बलरामपुर का। वहां की जनता चुनाव को लेकर क्या कुछ मत है, चलिए आपको दिखाते हैं हमारे इस एपिसोड में। आज आए हुए हैं विधानसभा दातागंज के गांव नगर पंचायत उसायत में। आइए हम बात करते हैं 2000 विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, सारी पार्टियां मैदान में आ चुकी हैं कि 2022 में कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुखिया। हम बात करते हैं, क्या नाम भाई आपका? आबिद मंसूरी। ये जो 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, आने वाले समय में किसकी सरकार होगी? वैसे तो जो भी है, फिलहाल हम IMIM के सपोर्टर हैं, IMIM को वोट करेंगे। बीजेपी सरकार में लोगों का ये कहना है कि महंगाई आसमान छू रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? हाँ, महंगाई आसमान छू रही है और बीजेपी गिरेगी तभी महंगाई कम होगी, और बीजेपी का गिराना है तो IMIM को जिताना है। तो IMIM बीजेपी सरकार में कई विकास भी होते, 4.5 साल पूरे हो गए। विकास हुआ मगर फिलहाल हमें तो कोई विकास नहीं दिखा फिलहाल यहाँ पे। और जो विकास 2022 में विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, आप किसकी सरकार चाहेंगे? अखिलेश। बीजेपी की क्यों नहीं? विकास नहीं होगा। लोगों का तो ये कहना है कि 4.5 साल पूरे होगा, अच्छा खासा विकास हुआ है, कोई काम नहीं आता, केंद्र सरकार कम बढ़िया है बस। जो महंगाई आसमान छूता जा रही है, उसमें आप क्या कहेंगे? महंगाई है वो तो आने वाले टाइम में और होगी, उसमें गरीब जनता के लिए क्या होगा? मर रही गरीब जनता, कुछ है ही नहीं उसके पास। क्या नाम है आपका? अख्तरी। ये जो 2022 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप किसकी सरकार चाहती हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? हेलो, किसकी बात चाहती हैं? सरकार किसकी चाहती हो? अखिलेश की। अखिलेश की। और जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इसमें आप क्या कहेंगी? जाम सब चीज़ तेज हो रही है, महंगी हो रही है, कहाँ कैसे गुजारा करेंगे? तो आप महंगाई से परेशान हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई से। ये जो 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आप आने वाले समय किसकी सरकार चाहेंगे? सरकार तो ये मोदी की बनाई और कुछ ना, सरकार बहुत बढ़िया। सपा की क्यों नहीं? सपा की क्यों नहीं? सपा की बनते ही क्राइम मैंडेट होंगे, आतंक होगा, गुंडा मवाली बनेंगे नहीं, गुंडा आतंक होगा, मटर होंगे, समझे, बलात्कार होंगे, कत्ल होंगे, और क्या होगा? इस सरकार में महंगाई तो आसमान छू रही है। महंगाई? अरे महंगाई मोदी ने बहुत अच्छे काम करो, मोदी तो बढ़िया काम कर रहा हो। जैसे आम जनता तो परेशान हो रही, गरीब आदमी तो परेशान हो रहा है। गरीब आदमी के लिए मकान भी दे रहा, राहत भी दे रही, विकास भी। आज हम नगर पंचायत उसायत में आए हुए हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सारी पार्टियां मैदान में आ चुकी हैं, देखना यह है कि 2022 में कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। आइए हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर खान, कस्बा उसायत से बोल रहा हूँ मैं, वार्ड नंबर 10। 2022 में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, आप किसका चेहरा मुख्यमंत्री रूप में देखना चाहेंगे? माननीय अखिलेश यादव। बीजेपी का क्यों नहीं? बीजेपी ने कराया गया, बीजेपी अगर कराती तो बताओ, एक महीना हो गया नारे पड़े हुए, अभी तक तो ये सही हुआ नहीं है। हम लोग जाते हैं, मैं विकलांग हूँ और लोग परेशान है, फांग फांग के जाते हैं लोग, कहीं कोई किधर से निकलता है, बताइए, एक महीना हो गया ये। तो बीजेपी सरकार में तो कई विकास हुए, लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है, वो आवास क्या पता, भरोसा आवास किधर मिला, हमें तो मिला नहीं है। आपने फार्म भरा था? फार्म भरा, हमें मिला ही नहीं है। आपको फार्म क्यों रद्द किया गया था, क्यों नहीं मिला आपको? अब हमें क्या पता, वो तो ऊपर जो दलाल बैठे हैं वो जाने इस चीज़ के बारे में। तो ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इसमें आपको क्या दिक्कत है? महंगाई में आदमी गरीब जो है 200 रुपये तेल ना खा पा रहा है, 100 ग्राम ले रहा है, बताओ कोई सब्जी है, सब्जी क्या खा पा रहा है आदमी? तो आप बीजेपी सरकार से बहुत परेशान? बहुत परेशान है, सरकार ने तो महीने कर दिए। तो आपने देखा कि आइए हम बात करते हैं 2000 विधानसभा चुनाव जो नज़दीक आता जा रहा है, सब पार्टियां अपने मैदान में उतर चुकी हैं, रैलियां निकल रही हैं, आने वाले 2022 विधानसभा में कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुखिया, हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? फहीम खान। 2022 में चुनाव आ रहा है, आप किसकी सरकार चाहेंगे? हम तो वैसे हिसाब की सरकार चाहते हैं। और जो उत्तर प्रदेश में इतनी महंगाई होती जा रही है, बीजेपी सरकार में आम जनता परेशान है, आप क्या कहना चाहेंगे? इसी बात से तो परेशान है, ये महंगाई है, आज इतनी महंगाई चल रही है, कैसे गुजारा हो, बेरोजगारी रही है, बेरोजगारी में पूरा युवा परेशान है, ना ही खेती कर मिल रही है, ना ही बाहर नौकरी मिल रही है, ना बाहर रोजगार मिल रहा है, ना अपने यहाँ मिल रहा है, कहीं भी मारे मारे फिर रहे हैं, जाते हैं बाहर 4 दिन रुकते हैं, भाग जाते हैं। क्या करते हैं आप?
मैं तो मजदूरी करता हूँ। तो आपको महंगाई से बहुत दिक्कत होती होगी? जी बहुत महंगाई की दिक्कत होती है। तो आपने देखा ये मजदूरी करते हैं ना, महंगाई से बहुत दिक्कत हो रही है, ये चाहते हैं ओवैसी की सरकार। आइए हम बात करते हैं दूसरे भाई से। क्या नाम है आपका? मुसाहिद अली। 2022 में आप किसकी सरकार चाहेंगे? मैं तो ओवैसी की गठबंधन में सरकार चाहता हूँ। बीजेपी की क्यों नहीं? बीजेपी में मैं देखो एक ड्राइवर आदमी हूँ, और जो डीजल 60 रुपये मिला करता था वो आज उसका रेट तकरीबन 95 रुपये पहुँच चुका था, आज 85 रुपये का रेट है उसका। तो मैं तो महंगाई से परेशान हो गया। ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है इसमें आम जनता बहुत परेशान है, इसमें आप क्या कहेंगे? जनता में तो हम भी आते हैं तो सब परेशान है, हम परेशान हैं। तो आप बीजेपी सरकार नहीं चाहते हैं? मैं बीजेपी सरकार नहीं चाहता। तो आपने देखा ये भी बीजेपी सरकार नहीं चाहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं वो मुल्ला जी। क्या नाम है आपका? शाह मोहम्मद। 2022 में जो विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, आप किसकी सरकार चाहेंगे? अच्छी सरकार हो यार, किसकी सरकार चाहेंगे? मारपीट वाली सरकार चाहेंगे? आप 2022 विधानसभा जो आप नज़दीक आ रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा आप किसका देखना चाहेंगे? अच्छा हो, विकास करे। योगी सरकार में विकास नहीं हुआ था? काहे का विकास? विकास है, कोई विकास ना है। टांग पकड़ कर खींचा खींची है अपने अपनी तरफ। विकास विकास काहे का है? विकास हो रहा है तो बताओ हमें। विकास चाहिए आदमी के लिए, समझे? चलो, इनका कहना है कि बीजेपी सरकार में बिल्कुल विकास नहीं हुआ, मारा मारने नहीं चाहिए, विकास जो करेगी वही सरकार इन लोगों को चाहिए। क्या नाम है आपका? कल्लू अली मंसूरी। 2022 में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, आने वाले समय में किसकी सरकार चाहेंगे? सरकार तो अखिलेश की आना चाहिए। बीजेपी की क्यों नहीं? बीजेपी ने तो बहुत है परेशान करो, ये 5 साल में बहुत दुखी हुई हो आदमी, सब वास्ते बहुत परेशानी आ रही है। जितनी परेशानी आई है इतनी और काउ सरकारों में कभी आई है ना। ये जो सैद नगर पंचायत में लोगों का ये कहना है कि विकास नहीं हुआ है, इसमें आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बात कुछ हद तक सच है, विकास नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लोग वोट लेते हैं चेयरमैनी के नाम पर और फला पार्टी के नाम पर, तो उस हिसाब से फिर वो यहाँ 5 साल तक शक्ल ही नहीं दिखाते आगे, बल्कि लोग पहचानना बंद कर देते हैं कि ये कौन है। 2022 में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, सारी पार्टियां मैदान में आ चुकी हैं, आप मुख्यमंत्री रूप में किसे देखना चाहेंगे? अब मुख्यमंत्री रूप में तो हजरत ये है कि अखिलेश जी आ जाएं। और बीजेपी सरकार में इतनी महंगाई हो रही है, आम जनता परेशान है। हाँ, ये बात तो मेरी भी है कि मैं भी ये चाहता हूँ कि लोग परेशान हैं, ये परेशानी दूर हो। और जो जैसे अभी और प्रदेश हैं तो उन प्रदेशों में जो है लोग खुशहाल हैं, उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी खुशहाली आ गई। देखा आपने, ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, जहाँ आम जनता और जगह भी खुश है, ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भी खुशहाली आए। जुड़े रहिए हमारे प्राइम टीवी चैनल के साथ। इस वक्त हम बलरामपुर जनपद के विधानसभा 291 में पहुंच चुके हैं और ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि आगामी चुनाव जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इसमें जनता का इस बार क्या मूड है और इस बार किसकी सरकार बनाएंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार बसपा की सरकार होगी या भाजपा होगी या सपा होगी, ये तो जनता बताएगी और उन जनता से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आइए हमारे साथ एक नौ युवा हैं, इनसे हम जानते हैं। क्या भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? कुलदीप कुमार। ये बताइए, ये जो आगामी 2022 चुनाव है और 2022 में इस बार किसकी सरकार बनेगी, भाजपा सरकार बनेगी या सपा बनेगी या बसपा बनेगी? भैया सोचने की कोई बात नहीं, भाजपा पूर्व बहुमत से सरकार बनेगी। अच्छा, भाजपा बनेगी? बिल्कुल। अच्छा, भाजपा ने क्या काम किया? बहुत काम किया भाजपा ने, कोई गिनाने में कोई वो नहीं है, बहुत काम किए हैं। ये जो भाजपा सरकार ने गुंडा माफियाओं का जो सफाया किया है, तो इससे आप लोग कितना खुश हैं? 100% खुश हैं। अतिक जैसे, अंसारी जैसे जेल इस समय हैं, जिनका पूर्वांचल में केवल बोलबाला था, वो आज जेल की रोटी खा रहे हैं। तो क्या जो सपा और जो बसपा की सरकार थी, जो पिछली सरकारें थी, तो क्या इसमें में भी कुछ कानून राज था इन लोगों का? इसमें केवल भ्रष्टाचार और गुंडा राज था। जब से यूपी में योगी जी आए हैं, गुंडा लोग या तो नेपाल भाग गए या तो जेल में हैं। तो ये बताइए, जो क्षेत्र में यहाँ के जो विधायक हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, क्या इस क्षेत्र में कुछ विकास किए हैं? बिल्कुल विकास किए हैं भैया, इसी रोड पे काम लगने वाला और लग भी चुका है, जाके आप देख लीजिएगा अभी।
बहुत बढ़िया काम किया। तो हमारे साथ और लोग हैं, हम उनसे जाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? बिहारी मिश्रा। अच्छा, इस बार 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं? योगी जी की। योगी सरकार से क्या लाभ है आपके? हम गरीबों को राशन मिलता है, पैसे मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं। अच्छा, तो इस बार आप भाजपा सरकार बनाएंगे फिर? अच्छा, ये जो भाजपा सरकार, जो योगी सरकार है, जो गुंडा माफिया भ्रष्टाचार का सफाया क्या है, तो आप इससे कितना खुश हैं? हम बहुत खुश हैं सर, गरीबों की रक्षा है। चलिए, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश, ये बताइए 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं आप? भाजपा का। भाजपा की ला रहे हैं। भाजपा से क्या क्या लाभ है आपको? भाजपा जी से बहुत लाभ है। अच्छा, सपा ने क्या किया? गुंडा राज। सपा में गुंडा राज रहता है। अच्छा जी, तो आप इस बार भाजपा सरकार फिर लाएंगे? चलिए, हमारे साथ और लोग हैं। ये हमारे पास ये जो चाट की दुकान है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? इधर देखिए, विद्यासागर। ये बताइए 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं? भाजपा ला रहे हैं। भाजपा की ला रहे हैं। भाजपा सरकार से क्या लाभ है आपके? जो योजनाएं हैं धरातल पे आ रही हैं जी। आपके क्षेत्र में क्या ऐसा काम जो नहीं हुआ है? हमारे क्षेत्र में काम जो नहीं हुआ था रोड का, वो भी चालू हो गया है, हम लोगों ने आज अपने आंख से देखा है। तो योगी सरकार में जो इसमें गुंडा थे, भ्रष्टाचारी थे, माफिया थे, उनका सफाया हुआ है, तो आप इससे कितना खुश हैं? सही इसमें हुआ है जी? 100% सही, इसमें गुंडा माफियाओं का सफाया हुआ है जी। जी, तो इससे आप खुश हैं जी? तो और बताइए आपके क्षेत्र की कोई समस्या? जी कोई समस्या। चलिए, हमारे साथ और लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम कुमार गुप्ता भैया। राम कुमार जी, 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं? योगी जी की सरकार। योगी सरकार। अच्छा, जो पिछली सरकारें थी सपा बसपा, क्या इसमें भी कुछ कानून रहा था? कानून रहा सब, कागज में है, कानून ना, कुछ होत ना रहा भैया, सब नेतागिरी वैसे होत रहा। तो आप 2022 में फिर दोबारा किसकी सरकार ला रहे हैं? दोबारा योगी जी की सरकार। चलिए, हमारे साथ और लोग हैं, कुछ इनसे जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम ध्रुव चंद पांडे सर। तो दो आगामी जो चुनाव है 2022 में, आप किसकी सरकार ला रहे हैं? भाजपा ने कोई छोड़ कोई रोकी ना पाई, भाजपा भी रहा है, बिल्कुल कोई थाम ही ना सका था, बिल्कुल दिल्ली पहुंच। और ये जो सपा सपा वाले कह रहे हैं, हमारे का नाम ना लियो, खाली भाजपा जाए, जय श्री राम भाजपा। चलिए, हमारे साथ और नौजवान हैं, इनसे जानते हैं किसकी सरकार 2022 में ला रहे हैं? मोदी जी की सरकार चाहते हैं। तो भाजपा सरकार से क्या लाभ है आपको? हमें बहुत बेनिफिट हुई है भाजपा सरकार से। और ये जो सपा सरकार पिछली थी बसपा थी, इससे क्या नुकसान हुए थे आपके? सपा से अच्छा था, मगर माफिया बहुत थे उसमें माफिया थे, बहुत माफिया। और इसमें जो योगी सरकार में गुंडा माफिया और भ्रष्टाचारियों को सफाया हुआ, सही हुआ इसमें? वो तो सफाया हुआ तो डायरेक्ट जेल में ही रहेंगे, अगर पास इससे खुश हैं जाए तो पूरी यूपी सफा हो जाएगी गुंडन से। तो इससे खुश हैं आप? हाँ, इससे हम खुश हैं। तो हमारे साथ और लोग हैं, और लोगों चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम पड़ेगा आपका? दशरथ पांडे। ये बताइए 2022 नजदीक है, 2022 में फिर किसकी सरकार आप ला रहे हैं, किसको कुर्सी बैठा रहे हैं? योगी सरकार रहेगी सर। योगी सरकार। अच्छा, योगी सरकार से क्या लाभ आपके हुए? बहुत से लाभ हुए हैं। क्या सर, कुछ बताएंगे लाभ? कौन सा लाभ उसको बताओ तुम भाई? अब आप बताएं, आप यहाँ रहते हैं और आप पिछड़ा क्षेत्र है, आपको क्या लाभ हुए हैं? बहुत से लाभ हुए हैं। ठीक है, राशन वासन मिलता है? चलिए, हमारे साथ और लोग हैं, और लोगों जानने की कोशिश करते हैं। कैमरा मैन से आ जाए। चुनाव जो आने वाला है, इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं? योगी आएंगे। योगी सरकार से क्या लाभ हुआ? योगी सरकार से बहुत लाभ है। जैसे योगी मोदी ने 5 वर्षों में इतना काम किया है, जो विगत सरकारों में, जैसे सौभाग्य योजना, राजीव गांधी की जो चित्रीकरण हुआ था, लेकिन उसका केवल नाम आता था, कागज पर था, कागज पर था। और सौभाग्य योजना माननीय मोदी जी के द्वारा जो लाभ हुआ, हर करोड़ों के हाथ करने के ऐसे तमाम लाभ आपके क्षेत्र में हुए। तो ये और हम जानना चाहते हैं कि प्रदेश में क्या योगी सरकार ने गुंडा माफियाओं का जो भ्रष्टाचार है, उनका सफाया किया है या नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका जाता है आप देख लीजिए, आज हम खान को देख लीजिए, और जाना मानवर आदमी को देख लीजिए, वो माफिया थे। जब गुंडा माफिया भ्रष्टाचारियों को योगी सरकार ने जेल भेजा, तो क्यों कांग्रेस के लोग या सपा के लोग सब या जो हैं बसपा के लोग क्यों नाराज थे? जो कि चुनाव में आने के लिए अभी तक उन लोगों ने राज किया, जिसका खामियाजा हमारी जनता भोग चुकी है, और 5 सालों में चाहे सड़क को ले लीजिए। अब हम और लोगों को जानना चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा आपका? ये बताइए, 2000 जो आदमी चुनाव 22 में है, आप किसकी सरकार ला रहे हैं?
का योगी से क्या लाभ आपको? बहुत से लाभ हुए किसानों के लिए, गल्ला पूरी कर दिया, एक बार मिलता था उसने दो दो बार दिया। तो जब सपा सरकार में क्या नुकसान हुआ? सपा सरकार में बहुत नुकसान हुआ, जितने माफिया गुंडे थे, दलाल थे, उनको उन लोगों ने बढ़ावा दिया। और किसान 2022 में आप ला रहे भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश की कमानी हमारे साथ और हैं युवा हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? ये बताइए, आज भी चुनाव 2022 नजदीक है, 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं? भाजपा सरकार ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कमान किसके हाथ में? क्या सपा सरकार नहीं आई है इस बार? तमाम लहर चिल्ला रहे हैं लोग सपा के, प्रदेश में योगी सरकार ने गुंडा माफियाओं के माफिया से इन लोगों का जो सफाया किया है, सही है? ये बताए तो अदरवाइज में किसी सरकार ला रहे हैं भाजपा सरकार? भाजपा में क्या ला रहा है? कि 2022 में सरकार किसकी बना रहा है? क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? 2022 में किसकी सरकार ला रहा है? अखिलेश सरकार ला रहा है, भाजपा सरकार का क्या नुकसान? तीन बार आप हमारे साथ और लोग 2022 में किसकी सरकार? अखिलेश जी को अखिलेश सरकार से क्या लाभ किसी सरकार में? बहुत लाभ है सबसे, रोड वगैरह। भाजपा सरकार ने कोई विकास नहीं किया? रोड कोई बनाया? रोड अब बंद है, भाजपा की बात कर रहे हैं, रोड बिजली का काम अब बंद है, अब बन रहे हैं ना, पहले तो धूल मिट्टी। चलिए हमारे साथ और लोग हैं, और लोगों को जानने की कोशिश करेंगे, कैमरा मैन साहब चाहें कि और विभाग बात है हमारे साथ और लोगों जानते। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं? अरे बताएंगे तो ठीक है, तो क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? मेरा नाम है 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं? ये आया भैया, हमने इससे उसमें 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं? बीजेपी गवर्नमेंट यही भी बोला है। चलिए तो हमारे साथ तो ये तमाम लोग मुद्दे में बैठे हुए थे, जिन्होंने बताया कि कुछ सपा की सरकार लाएंगे, तो कोई बताया भाजपा की सरकार लाएंगे। चलिए हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, हमारे पास एक दादा हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा दादा आपका? 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं? अरे ये बताइए, भगवान तो, लेकिन आप भगवान वोट नहीं देंगे आप, तो किसकी? ये बताइए, 2022 नजदीक है, 2022 में आप इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी सरकार से क्या लाभ है? बहुत लाभ है, जैसे कि आप उज्जवला योजना देखिए, बिजली विभाग का ये देखिए, और नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो कार्य चल रहा है, ये बहुत ही सारा। तो ये बताइए, प्रदेश में योगी सरकार ने गुंडा माफियाओं का भूमाफियाओं का सफाया नहीं किया है? बहुत अच्छा कर रही है इसमें सरकार, कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। तो जब ये प्रदेश में योगी सरकार गुंडा माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को जेल जब भेज रही है, तो सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को क्यों दिक्कत हो रहा है? क्योंकि वो के लोग भ्रष्टाचारी
बीजेपी के लोग खुद भ्रष्टाचार करते हैं। तो इस बार आप किसकी सरकार पर? बीजेपी भाजपा को। चलिए हमारे साथ और लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय। 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं आप? 2022 में भाजपा की फेवर सरकार बनेगी, 350 प्लस। तो भाजपा सरकार ने क्या काम किया? भाजपा सरकार ने तमाम विकास योजनाएं काम किया है, जो दिखाई पड़ रहा है इसको बताने की जरूरत नहीं है, लोग देख रहे हैं। जैसे सड़क है, उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान निधि योजना से लोग तमाम किसान भाई जो है लाभान्वित हो रहे हैं। योगी सरकार प्रदेश में भू माफियाओं को, गुंडा माफियाओं को कार्यकाल में जो है लूट की कमाई से जो है तमाम जो है बनी बिल्डिंग जो है जबरदस्ती छका लिए, अवैध निर्माण करवा लिए। 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं? भाजपा सरकार ने क्या विकास? बहुत विकास किया, जो वो कर दिया वो 40 साल प्रधानमंत्री। क्या जो इससे पहले सपा बसपा की सरकार थी, तो क्या उस सरकार में कानून राज था? मनमर्जी का जो पावे तो हमें कर। चलिए हमारे साथ और युवा हैं, क्या ना पड़ेगा भाई साहब? मैंने जी बताया 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं? बीजेपी सरकार ने क्या विकास किया? बिजली, सड़क और उसके बाद में प्रधानमंत्री को। तो अब यहाँ पे 2022 में बीजेपी बोला जा रहा है, योगी जी बोला है। 2022 में किसी से निकालना है? बीजेपी गवर्नमेंट यही भी बोला है। चलिए तो हमारे साथ दो ये तमाम लोग मुद्दे में बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि कुछ सपा की सरकार लाएंगे, तो कोई बताया भाजपा की सरकार लाएंगे। चलिए हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, हमारे पास एक दादा हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं आप? ये बताइए भगवान को, लेकिन आप भगवान वोट नहीं देंगे, आप किसको वोट देंगे? आप भाजपा को देंगे या सपा को? हमारे साथ तमाम लोग हैं और ये नाम पड़ा था आपका? 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं? तो हमारे साथ और लोग हैं, और लोगों को जानने की कोशिश करते हैं। 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं? चलिए हमारे साथ और हैं, और लोगों को जानने की कोशिश करेंगे। रहे हैं 291 क्षेत्र तुलसीपुर में सुतरा में हम चल रहे हैं, लोगों को जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं? वही सरकार जो सरकार है तो उनको ठीक है। हाँ बाबा वाला भी देखा जी भाई काम। चलिए हमारे साथ और लोग हैं, क्या पड़ेगा नाम भाई आपका? राजेश कुमार। 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं? बोला है हमारे साथ तो तमाम लोग थे, जिसे हम और लोगों को जाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राजगीर जा रहे हैं, इन लोगों से जाते हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? क्या नाम पड़ेगा भाई? बताएं 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं? अभी बुला रहे हैं। 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं? भाजपा ने क्या किया? रुपया राशन और रुपये मिल रही है, वो कर रहे हैं। हमारे साथ काम गलत कर रहा हो क्या बताएं? पहले थोड़ा रखा है इसको, जो है कोई फायदा छुट्टा जाने। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, और तमाम लोग हमारे साथ और हैं, अंदर चलते हैं। होटल है, होटल के अंदर चलते हैं, हम लोग बैठे हुए हैं और हम जानना चाहेंगे बात किसकी सरकार ला रहा है। क्या नाम पड़ेगा दादा अपना? 2022 चुनाव
गांव नजदीक का विधानसभा इस बार उसकी सरकार बना है। किसको वोट करेंगे आप, सपा भाजपा बसपा गांधी? क्या नाम है आपका? अगर आप किसी के बारे में नहीं बता सकते हैं तो जो सरकार फायदा कर रही हो उसके बारे में बताएं आप। मुझे तो बताओ क्या क्या। अरे कोई विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? जी हमारे साथ और लोग हैं, और लोग बहुत सारे लाभ है जनता को, निर्बल गरीब जनता को सीधा लाभ है, सीधा मिलना है। तो आपका क्षेत्र बहुत सीधा पसंद है, इसमें क्या विकास है? रोड बिजली ये सब टोटल जहाँ बिजली आप तक सौ सालों में नहीं पहुँच पाई वहाँ जल्द पाँच सालों में मान्य विधायक द्वारा हर घर गाँव गाँव बिजली पहुँची। रोड ग्रामीण सड़क जो मोटा मोटा हुआ था सड़क भी पूरा मेडिकल हो गया है, और जो राशन मिल रहा है मोदी सरकार द्वारा निःशुल्क रिटर्न किया जा रहा है, गरीबों तक सीधा लाभ पहुंच रहा है। चलिए हम और चलते हैं और लोगों को आपका 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं आप? अब वो तो जगह आप किसको वोट दें? हम तो ना कर पर भाजपा को वोट ना देंगे। ये बहलन से अब हम मेरी से डाना भी ना बताओ पाके सब बहलना चल के उगाई दे यहाँ के कौन व्यापार करते नहीं है। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। चलिए हमारे साथ और हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका भाई साहब? 2022 योगी और मोदी जी को ला रहे हैं? उन्होंने को लाएंगे 100% लाएंगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सपा सपा सरकार से क्या दिक्कत? दिक्कत कोई नहीं है, जो अभी समय हो रहा है वो सही हो रहा है। विपक्ष में पहले सरकारें थी बसपा हो या सपा हो, तो क्या उससे क्या नुकसान हो रहा है? अब नुकसान कुछ नहीं है, जो जो कार्य इस समय हो रहा है वो पहले नहीं होता। चलिए हमारे साथ और लोग हैं, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं 2022 में किसकी सरकार बीजेपी वाला हो? क्या नाम पड़ेगा आपका? 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं? किसको वोट कर रहे हैं, सपा को बसपा को या भाजपा को? बताएंगे आप किसको सरकार ला रहे हैं। चलिए ठीक है, हम और लोगों मौजूद हैं जो बात कर रहे हैं आपस में। उसका नाम पड़ेगा सर? चलिए तो हमारे साथ और लोग हैं, और लोगों जानने की कोशिश किया। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं? भाजपा जी। भाजपा योगी भाजपा सरकार से क्या बहुत फायदा है? क्या विकास की सर क्या नहीं किए बताइए आप बताएं क्या बताएं विकास क्या विकास बहुत ही विकास है। इस बार भाजपा बुलाएंगे? हाँ भाजपा ही आएगा। और क्या, ये तो हमारे साथ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि हम चल रहे हैं, ये डिजिटल जन सेवा केंद्र है और ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ सेवा केंद्र चल रहा है, और उन लोगों से आने वाले समय 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं और किसकी सरकार बनाए हैं, आइए हम बात करते हैं। क्या बीजेपी सरकार ने क्या विकास किया? बीजेपी सरकार ने बहुत विकास किया, जैसे हमारे यहाँ बल्लामपुर से लेकर के पिछड़िया मार्ग जो इतना गड्ढा गड्ढा मुक्त था, वो गड्ढा था कि वो चलना बहुत दुश्वार हो रहा था। बीजेपी ने स्वा करके जो इतना बढ़िया काम किया है, जैसे किसानों को किसान सम्मान निधि, महिलाओं को उज्ज्वला योजना, किसानों जो है सबसे गरीब जो आज तक जो छप्पर के अलावा अपने किसी जो है पक्के मकान में सोच नहीं पा रहे थे कि उसमें रहेंगे, उन्होंने आवाज दिया उस गरीबों को जो है। तो क्या बीजेपी सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं के लिए बहुत किया, युवाओं के लिए रोजगार दिया, रोजगार और दे रही है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया, जो बीजेपी को गलत किया। चलिए तो हमारे साथ ये युवा थे और लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं, और इस बार कुर्सी पे योगी जी बैठेंगे कि मायावती बैठेंगी कि अखिलेश जी बैठेंगे। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? कलाम। 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं? अखिलेश। अखिलेश को ला रहे हैं। चलिए तो आप देख सकते हैं कि हम दो
2022 चुनाव का जो आगामी चुनाव है, ये जनता की मूड जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ जो क्षेत्र में चल रहे हैं 291 क्षेत्र है, जहाँ जनता का मूड इस बार ये मिला है कि 2022 में हम अखिलेश को बैठाएंगे। और कई लोगों ने कहा कि हम योगी जी को ही बैठाएंगे। योगी सरकार में गुंडा माफियाओं का सफाया हुआ है और लोगों को जो धरातल पे मिलने वाली सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे राशन, बिजली, रोड, ऐसे चीज़ें मिल रही हैं। और तो किस कई लोगों ने जो ये छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, इस पर नाराजगी भी जताई है। बलरामपुर प्राइम टीवी, अमित कुमार, और अभी हम चल रहे हैं और ऐसे तमाम क्षेत्रों में जनता का मूड। तो आज के प्राइम पब्लिक और सरकार में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।